नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ हैं पूजा। दुनिया अभी कोरोना से उभरी भी नहीं है कि चीन से निकले एक नए बैक्टीरिया ने फिर से दहशत पैदा कर दी है। पड़ोसी देश में तबाही मचाने के बाद माइकोप्लाज्मा निमोनिया भारत, अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों तक फैल गया है। डेनमार्क के जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहां से इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। और कोरोना ने किस कदर कोहराम मचाया हुआ है वो सबने देखा है। और अब इस नए बैक्टीरिया की भी भारत में एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के एम्स में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के 7 मरीज मिले हैं और अब अंदेशा है कि ये धीरे धीरे अभी और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा आप। इस बैक्टीरिया का मेन टारगेट बच्चे है, ये सीधे उनके फेफड़ों पर अटैक करता है, इसलिए इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जो उतना बच्चों की जान पर खतरा ना बढ़े इसलिए सबसे पहले इस रहस्यमय बीमारी के लक्षण जान लीजिए। गला खराब होना, थकान महसूस होना, बुखार, खांसी और सिर दर्द माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के सिम्टम्स हैं। इस बीमारी को व्हाइट लंग सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बाद फेफड़ों में सफेद रंग के पैचेस नजर आते हैं। इससे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, साथ ही पूजा सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बिल्कुल, और खतरे को भांपते हुए भारत सरकार तो अलर्ट मोड पर है ही, लेकिन जरूरत है कि सभी देशों की हेल्थ एजेंसीज माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया को लेकर सतर्क हो जाए, वरना कोविड काल जैसे हालात फिर से बन सकते हैं। ज्योत्सना, कोरोना के जख्म तो अभी भी गहरे हैं क्योंकि आपने कोविड काल का जिक्र किया। कोविड के मरीज ठीक तो हुए लेकिन वो डेडली वायरस उनके शरीर में अपने कुछ ना कुछ निशान छोड़ गया। हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, लंग सिरोसिस, फाइब्रोसिस, डायबिटीज, एस्थमा, वायरस के अटैक से किसी को कोई ना कोई बीमारी जो है वो कुछ ना कुछ रूप में जरूर मिली है और उसी से फिर दूसरी बीमारियां ट्रिगर हो रही। और लाइफस्टाइल डिजीज तो पहले से ही हेडेक एक बहुत बड़ा बनी हुई है और ऐसे में अब और किसी महामारी का सामना करना आसान नहीं होगा। देखिए, सेहत से जुड़ी हर मुश्किल का समाधान, हर परेशानी का इलाज स्वामी रामदेव के पास है, तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं कि लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बनाएं ताकि हर बीमारी और महामारी से हम अपने शरीर को बचा सकें। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी आपको भी और पूजा जी आपको भी। और ये माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बच्चों से लेकर के बड़ों तक और खास करके कमजोर इम्यूनिटी वालों को अपना शिकार बना रहा है। अब देखो हमारे पास में मजबूत बच्चे, चलो बच्चों, ये जाह्नवी जी है, बड़ी मजबूत है हमारे पास। और आपका क्या नाम है बाबू? श्रेया। चलो लंबे लंबे श्वास। अब जो बच्चे ऐसे योग करेंगे, ऐसे भुजंगा आसन, और जो थोड़े मजबूत हैं वो तो ऐसे दंड भी लगा सकते हैं। चलो ऐसे दंड लगाओ और आप तो मंडूक आसन करो। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी हैं, 110 इंसुलिन ले रहे थे और अब क्या हालत है डॉक्टर गुप्ता जी, माइक में बोलना। ये इनकी हालत थी, कितना कितना इंसुलिन लेते थे? स्वामी जी मैं 12 साल से 110 इंसुलिन ले रहा हूँ, 30 साल से मुझे डायबिटीज डायग्नोस। हाँ हाँ, ये माइक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे को 30 साल से डायबिटीज थी और मैं 110 यूनिट 12 साल से ले रहा हूँ, 20 20 20 50 50 नाइट में 110 यूनिट आए। अब पिछले 3 दिन से तो नहीं ले रहा हूँ। 3 दिन से इंसुलिन ले रहे हो? हाँ। शुगर का क्या हाल है? शुगर बिल्कुल ठीक है, शुगर एकदम नॉर्मल नॉर्मल। और ये खुद WHO में बहुत बड़े दायित्व में जिनेवा में सेवा करते हैं। चलो आप तो मंडूकासन करो डॉक्टर साहब, चलो बच्चों खड़े हो जाओ। अब मंडूकासन योग मुद्रासन तो डायबिटीज के लिए और कम से कम सबके लिए, एक तो भुजंगासन एक साधारण दंड बताया था हमने, फिर ये ऐसे, ये और फिर सूर्य नमस्कार। जो बच्चे है ना वो तो सूर्य नमस्कार भी अच्छे से करते। चलो 1। अब अपने बच्चों को योग में ढाले, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, ब्रोनको, बड़ी जबरदस्त है ये औषधियां। लंबे लंबे श्वासों के साथ
आज हमने यहाँ ये श्वासारी का भी संसार च्यवनप्राश से लेकर के शिलाजीत से लेकर के और उधर नस्य भी चल रहा है, मुलेठी त्रिकुटा काकड़ा सिंह जी उससे नस्य देते हैं, जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं और हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा उससे लपेट कराते, पतंजलि बाम से लपेट कराते हैं, दिव्य धारा से स्टीम भी देते, ये भी सब चल रहा है और अणु तेल से ज्योतिषमती से नस्य करवा जी, ये सब प्रक्रिया है हमें इतना मजबूत बना देती है कि हमारा फेफड़ा इतना फौलादी हो जाएगा और जो बच्चे ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे, ताड़ासन करेंगे, उनको जाह्नवी की तरह कभी कोई प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल स्वामी जी, और आप तो हमेशा कहते भी हैं कि जिसके जीवन में योग होगा उसको बीमारियों से वो अपने शरीर को बचा सकता है और कोई एंट्री भी नहीं होगी। अब एक एक करके विषय भी हम शामिल करते हैं क्योंकि आज बात चीन की नई रहस्यमय बीमारी की हो रही है, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया। यूरोप के बाद अब भारत में भी ये पहुंच गई है। दिल्ली के एम्स में 7 मरीज मिले हैं, भारत सरकार अभी अलर्ट मोड पर है। स्वामी जी, सबसे पहले उन योग का एक पैकेज करवा दीजिए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और इतनी स्ट्रांग हो कि ये जो चाइनीज निमोनिया है इस दुश्मन से हम अपना शरीर बचा सके और ये दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ भी ना पाए। तो एक तो प्रारंभ में कम से कम योगिक जोगिंग के दो अभ्यास जो हमने बताए ये करें, दूसरा सूर्य नमस्कार करें जो अभी मेरे साथ सब बच्चे भी कर रहे थे, और फिर तीसरा तो ऐसे मजबूती से एक तो ये और फिर पूरा पावर योगा का सेशन होगा। चलो बच्चों अब तो नीचे चले जाओ, आप यहाँ रहो बेटा उधर जाह्नवी जी, और ऐसे करो पीछे, चलो बैठो आप भी पावर योगा का एक सेशन कर लो। बाकी डायबिटीज आप तो भुजंगासन करो जी, प्रमोद जी आप भी ऐसे ये, और जाह्नवी जी तो पूरा पावर योगा का सेशन करने में लगी है, ऐसे फिर ऐसे ये ऐसे और यूं यूं ऐसे और ऐसे ऐसे। अब ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है लेकिन ये वही कर पाएंगे जिनको प्रैक्टिस है पार्श्वदंड चक्रदंड और पलटदंड। अब पलटदंड के लिए तो पूरा भुजाओं में दमखम चाहिए, नहीं तो आदमी बीच में लुढ़क जाएगा ऐसे। भुजंगासन तो कर ही लेंगे, ये तो सब कर सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सो बार करना है भाई बहनों, कितनी बार जोर से तो बोलो, सो बार ऐसे। जाह्नवी तो लगी हुई है, क्या बात है, सूर्य नमस्कार 10 बार कर लो, भुजंगासन भी 10 बार से शुरू करके 20-30 बार कर लो, इससे जबरदस्त इम्यूनिटी आ जाएगी। फिर नहीं तो ये इसको बोलते हैं, चलो जाह्नवी जी ये करो ऐसे मिश्र दंड, ऐसे तेजी से कर लेना ऐसे ऐसे। तो फिर निमोनिया पड़ोसियों को भी नहीं होगा और लंबा श्वास ले ले ऐसे, और कुछ ना बन पाए तो कम से कम इतना ही कर ले ये।
रही है ऐसे ऐसे और ये ऐसे। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाते जाएं। अब जैसे जाह्नवी जी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, अब ये 100 बार करके ही मानेगी, लेकिन एक दिन में नहीं करना। करो करो करो, इसकी तो बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल है। पीछे से पैर उठाओ और सिर के लगा दो। ओहो, ये तो सिर के आगे, थोड़ी के आगे, कंठ के आगे भी नहीं आई है भाई। हाँ, इधर आओ, ऐसे करो, इधर मुँह करके करो, इधर मुँह उधर पैर। अब करो तो देखो, अब छोटे बच्चे तो ऐसे भी कर लेते हैं। रे रामा रामा रामा, रामा। जाह्नवी जी, आप तो पक्की योगी नहीं हो गई हो। हाँ, चक्रासन भी करो। हाँ, लेट करके। ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है, है? ये तो ज्योत्सना से भी 10 कदम आगे पहुँच गई ज्योत्सना जी। अब देखो, अरे रामा रामा राम, ये तो पैर को छू लिया। ओहो, क्या बात है भाई, है? अब ऐसे बच्चे जो योग करेंगे, क्या उनको माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया बिगाड़ेगा, क्या उनका कफ कोल्ड अस्थमा बिगाड़ेगा? वापस आ जा, आ जा, आ जा। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं, आगे झुक जाओ बाबू, आगे झुक जाओ। आपको अब च्यवनप्राश देते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो आप में है, अब ये ताकत आ जाएगी आप में और। ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है उनको इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। आओ बाबू इधर, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाना और च्यवनप्राश खाना, आपकी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। ऐसे बच्चे तो अब बच्चों को उष्ट्रासन कराएं, चक्रासन कराएं, गोमुखासन कराएं, भुजंगासन कराएं, उनको मजबूत बनाएं। कमजोरी ही बीमारी है ज्योत्सना जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, आप कमजोरी ही बीमारी है। और जाह्नवी की उम्र में ही अगर बच्चों को योग कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, तो किसी तरह की बीमारी उनको परेशान नहीं करेगी। अब क्योंकि हम जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं जो चाइना से फैली है, उसका जो सॉफ्ट टारगेट है वो बच्चे हैं, सबसे मेन टारगेट उसके बच्चे हैं। ये बच्चों के फेफड़ों पर बीमारी अटैक करती है, जिससे सांस लेने में बच्चों को तकलीफ होती है, फिर उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, ऐसे में बच्चों के माता पिता क्या सावधानी बरतें, उन्हें क्या खिलाएं, क्या पिलाएं कि माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया उनके बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम पर हमला ना कर सके? तो एक तो बच्चों की डाइट में चेंज ये करें कि जो भी रोटी खिलाते हैं उसमें चने का आटा मिला दें। ये तो चना है ना, ये चना भी आपको गिफ्ट में, आज आपको बहुत गिफ्ट मिल रही है, है? और ये गुड़ भी मिलेगा आपको गिफ्ट में, है? तो बच्चों को आटे में चने का आटा जरूर मिला करके खिलाएं। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बच्चों को कतई नहीं होगा। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, दूध में हल्दी, सिराजीत, केसर, च्यवनप्राश, जो अभी मैंने गिफ्ट में दिया जाह्नवी जी को। और फिर बच्चों को आइसक्रीम, बच्चे आजकल सर्दी में भी आइसक्रीम खाते, बताओ। आइसक्रीम नहीं खाना सर्दी में, ठीक है बाबू? आइसक्रीम भी नहीं, चॉकलेट नहीं, उसमें जो है ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा, सेचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, 40% तक फैट होता है उसके अंदर, गंदे वाला चॉकलेट के अंदर। फिर उसको यदि बहुत ठंडे टेम्परेचर में ना रखो तो कीड़े पड़ जाते हैं, फिर दांत में और पेट में, दिमाग में भी कीड़े पड़ जाते हैं चॉकलेट से। सुन रहे हो ना जाह्नवी जी, चॉकलेट नहीं खाना। हाँ, तो बच्चों को चॉकलेट से, आइसक्रीम से, बहुत ज़्यादा जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं ना, उनसे बचाएं। तो थोड़ा बच्चों को मुलैठी का काढ़ा, श्वासारी का काढ़ा, नहीं तो श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी जो इधर रखे हैं ना, ये बच्चों के लिए रखे हुए सारे, ये श्वासारी वटी है, ये श्वासारी प्रवाही है, ये गुड़ का च्यवनप्राश है, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं,
ये स्वास्थ्य अवले हैं, एक एक चम्मच बच्चों को खिलाया करें और बच्चों को सुबह सुबह दौड़ाया करें। बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए सुबह सुबह, दौड़ना चाहिए बच्चों को सुबह सुबह, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है ऐसे ये। और बच्चों को अभी तो पीछे झुकने वाले अभ्यास बताए, अब बच्चों का लीवर किडनी आते मजबूत रहे। चलो मंडूकासन करो जाह्नवी जी, प्रमोद जी। प्रमोद जी ने 110 यूनिट इंसुलिन वो भी 3-4 दिन में उससे मुक्त हो गए। जिनेवा वाले नोबल पुरस्कार देते, जिसने इंसुलिन बनाई उसको नोबल मिला था। अब इंसुलिन छुड़ाने वाले को नोबल मिले या ना मिले, हमने नोबल कार्य किया। 110 यूनिट इंसुलिन हमारे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी जो WHO में एक बड़े अधिकारी हैं, जिनेवा में सेवा कर रहे हैं, अब उनकी ये मधुमेह से वो मुक्ति मिल गई जी, वो डायबिटीज फ्री हो गए। हम मधुमेह मुक्त, रोग मुक्त, सभी आज जिन कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से तमाम तरह के जो रोग हो रहे हैं, एक करके आगे उसको बढ़ाओ ज्योत्सना जी, पूजा जी। बिल्कुल स्वामी जी, सारे रोगों से मुक्त बनाएंगे, योग युक्त रोग मुक्त। एक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय इसी से जुड़ा हुआ है, मैं उसे शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि हम ऋतु संधि में प्रवेश कर चुके हैं, गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में आजकल सीजनल बीमारियां लोगों को बड़ी हो रही हैं, जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, गले में खराश, हर दूसरे व्यक्ति को ये परेशानी हो रही है और ठीक होने में भी बड़ा वक्त लग रहा है। अब चाइनीज निमोनिया की भी एंट्री हो चुकी है और चाइनीज निमोनिया के लक्षण भी लगभग इसी तरह हैं, तो अब फर्क कैसे किया जाए कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है या चाइनीज निमोनिया वाले सिम्टम है, क्योंकि ये परेशानी भी सीजन में आम है और ऐसे में रहस्यमय बीमारी का अटैक भी कुछ इसी तरीके का है, तो कैसे फर्क किया जाए और फिर कैसे इलाज को आगे बढ़ाया जाए? तो इसमें जब ये जिद्दी खांसी होना, जब सामान्य उपायों से लोग तो घरों में हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद डाल करके पिला देते हैं बच्चों को, गुनगुना सा श्वासारी पाउडर्स, सीतोपलादी चूर्ण, सौंठ, पिपल, काली मिर्च, त्रिकुटा चूर्ण, या जैसे मैंने कहा श्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ और श्वासारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करके कफ सिरप दे करके, उसी से जब भी खांसी ठीक ना हो, जब कंठामृत, लवंग आदि, खदरा आदि वटी भी काम ना करे, मुलेठी, काली मिर्च मिश्री जो हम चूसने के बोलते हैं, गले के गरारे के लिए एलोवेरा 100 ग्राम, 10 पत्ते अमरूद के, 5-10 ग्राम हल्दी, थोड़ा त्रिकुटा बहेड़ा आदि डाल करके उबाल करके उसे गरारा कराते हैं, लेप लपेट जो यहाँ बता रहे, नस्य आदि बता रहे, जब ये सब चीज़ें सारे उपाय जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम ना करें और सर्दी मिटने का नाम ही नहीं दे रही, तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, फिर क्या करें? तो ये जो माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, तो माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया जो है ये बड़ा ही खतरनाक है। तो जब अंदर तक ये कफ अंदर घेर लेता है ना, 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, तो अंदर तक श्वास नली में सूजन आ जाती है, जकड़न आ जाती है, बलगम जम जाता है, उसको निकालने के लिए ठीक है नस्य तो करना ही है, लेकिन श्वासारी गोल्ड 3 बार देना है, छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो कैप्सूल खाली करके शहद से चटा देना, और ये करक्यूमिन गोल्ड, फिर ब्रोनकोम, लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी, और किसी को फीवर भी आता हो तो फीवोग्रीट भी दे देंगे, और 3 से 5-7 दिन में ही माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया से लेकर के पुरानी जो खांसी हो गई, जो खांसी जिद्दी है, चाहे कफ वाली है, बिना कफ वाली है, अंदर पूरा बलगम जम गया है, पूरा कफ ने फेफड़े को घेर लिया है, वो सारा का सारा फेफड़ा हमारा वापस नॉर्मल आ जाएगा, जो उपाय बताए इससे। अभी ठंड की आगाज हुई है, आज ठिठुरा देने वाली थोड़ी ठंड है इस जी मेरी बहन।
स्वामी जी, निमोनिया से सांसों पर इमरजेंसी भी लग जाती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ताउम्र एलर्जी से जूझना पड़ता है, जिसमें अस्थमा भी है। तो अस्थमा से परेशान लोगों को इस सर्दी में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या सलाह देंगे आप? उनको एक तो दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ठंडी चीजें, चिकनी चीजें बंद करनी पड़ेगी। उनको चीनी भी बंद करनी पड़ेगी। चीनी की जगह थोड़े गुड़ का प्रयोग करें। और गुड़ असली नकली की पहचान कैसे करें? आजकल हर चीज़ में केमिकल्स इतना ज़्यादा डालते हैं, और वो बोले हम चीनी तो नहीं खा रहे लेकिन गुड़ में उससे भी ज़्यादा केमिकल है, तो फिर गुड़ गोबर हो गया। बोले गुड़ गोबर कर दिया इसने, तो गुड़ की जगह गोबर खा रहे लोग, तो इन चीज़ों से भी बचना है, वो भी आज बताएंगे। तो गुड़ का घी गोबर करके खा रहे हैं। तो ऐसे एक तो ये योगाभ्यास करें और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना चाहिए। अब जिनको सर्दी लगती है वो मेरी तरह से कपड़े मत उतार देना, थोड़े कपड़े पहन के रहना, उसने टोपी भी निकालने हैं टोपी पहन के रहना, सिर थोड़ा ढके रखना चाहिए। सिर में ठंड लगती है, कानों में बहुत ठंड लगती है। शुरू शुरू में हमने देखा लोग कान के या कुछ लगा के रखते थे, मैंने कहा शायद कोई फैशन होगा, बोले जी ठंड लगती है फैशन नहीं। तो कान में बहुत ठंड लगती है, सिर में भी ठंड लगती है, छाती में अंगीठी जला के रखते हैं पहाड़ में, विदेशों में भी मैंने देखा यहाँ, तो छाती में बहुत ठंड लगती है। तो जिनको थोड़ी ठंड की प्रकृति है तो थोड़ा कपड़े ठीक ठाक पहन के रखें, लेकिन अब जिनको हमारी तरह से रहना है तो उपाय है दूध में हल्दी, शिलाजीत। ये शिलाजीत में हमने ना एक स्वर्ण शिलाजीत बना रखी है, बाकी तो शिलाजीत शिलाजीत लिक्विड और ये सब भी है, ये भी बड़ा ज़ोरदार मामला है। लेकिन दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और साथ में च्यवनप्राश खा लें ना, ओहो, फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त मैटर है। और सांसारी ब्रोनकोम इसकी परम औषधि है। फिर इसके अंदर हम ये काकड़ा सिंगी ओरोग्रीट उससे हमने तैयार की, और ये कर्क्यूमिन गोल्ड ये हमने तैयार की है हल्दी से। कर्क्यूमिन गोल्ड और ओरोग्रीट ये ऐसी चीज़ें हैं जो फेफड़ों को इतना ज़बरदस्त बना देती हैं। फिर प्राणायाम तो देखो नियमित करना ही पड़ेगा। अब कठिन आसन जो ऐसे कर सके, जाह्नवी तो आज जो है लगता है स्पेशल सारे इनाम जीत के जाएगी एक ही दिन। क्या बात है भाई, अरे बाप रे। बहुत शानदार स्वामी जी, बैठ जाओ बाबा। आपने कहाँ से सीखा ये सब? तो क्या बात है, देखो ये टीवी देखती रही, यहाँ आई और फिर जो है पतंजलि के गुरुकुलम के बच्चों को देखती रहती है। अम्मा भी करती है, इसकी माँ भी करती है। तो भाई अब जो भाई अब जाह्नवी जैसी योगिनी हो जाएंगी तो ज्योत्सना जी, जी अब आपको भी कंपटीशन में पछाड़ने वाली है। तो ऐसे बच्चों को कहाँ कफ कोल्ड, कहाँ श्वास दमा, छोटे छोटे छोट बच्चों को आजकल डायबिटीज हो रही है। चलो पवन मुक्तासन कर। अब छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जुवेनाइल आर्थराइटिस, अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को स्किन एलर्जी, सोराइसिस, एक्जिमा, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियां हो गई। तो बच्चों को अब योग तो करना ही पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और स्वामी जी गर्भासन जैसे जो कर सके, द्विपाद ग्रीवासन, वो तो कठिन था जी मेरी बहन। क्योंकि आपने लाइफस्टाइल बीमारियों का जिक्र छेड़ ही दिया है तो एक एक करके इनसे भी निपटने के तरीके जान लेते हैं। निमोनिया से कैसे अपने शरीर को बचाना है उसके बारे में आपने बताया। अब जो सालों से जान पर आफत बनी हुई है यानी कि लाइफस्टाइल डिजीजेज, उनसे भी एक एक करके निपटना जरूरी है, उन पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हार्ट डिजीज पर बात करते हैं, क्योंकि अब तो उम्र से फर्क ही नहीं पड़ता। जो 60 की 80 की बीमारियां होती थी वो 20-20 साल के लोगों को हो रही हैं, किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसे में दिल की सेहत कैसे बेहतर हो, दिल को कैसे मजबूत बनाएं, उसके लिए कौन कौन से यौगिक और घरेलू उपाय हैं? तो
एक बड़ी बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज बीपी शुगर, उसके लिए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन कर लेना। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी रीट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट इम्यूनोग्रीट, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रीट। कार्डियोग्रीट बड़ी ज़बरदस्त है। कार्डियोग्रीट हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट, खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, और खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा, रो फूड ज़्यादा लेना पड़ेगा, सलाद फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, 50-70% तक रो ले सकते हैं। एक हमारे मित्र थे ऋषि प्रभाकर, सिद्ध समाधि योग SSY शॉर्ट में कहते हैं, उसके संस्थापक भी हो रहे। हाँ लाओ, और लाओ, ऊपर लाओ, हाथ तक लाओ, ऐसे, यस। तो यह हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। मरकटासन ऐसे, फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे, तो ये मरकटासन और सेतुबंधासन और बैठ के गोमुखासन और मंडूकासन पवन मुक्तासन, इतना सा हार्ट और बीपी शुगर तीनों इससे ठीक होंगे। कितना अच्छा है नहीं? और गेहूँ चावल नमक मीठा तीखा तला जंक फूड फास्ट फूड ये तो बंद करना पड़ेगा। मैंने बहुत सजग किया है जंक फूड माफियाओं से, नशा माफिया, दवा माफिया और ग्लैमर माफिया। ये जो पूरा एक षड्यंत्र और भीड़ तंत्र पूरी दुनिया में चल रहा है, लोग देखा देखी उल्टा पुल्टा खा रहे, उल्टा पुल्टा जी रहे, हमारे भाव भजन भोजन बिगड़ गए और उससे जीवन बिगड़ गए। और पवन मुक्तासन और बैठ करके ये मंडूकासन और गोमुखासन, ये हार्ट से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के जिनको लीवर, जिनकी किडनी, जिनका पाचन तंत्र, गैस कब्ज, एसिडिटी, ये सभी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए रामबाण है, अप्रतिम है मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये मंडूकासन। स्वामी जी अब देखो मंडूकासन में नाभि के दोनों ओर ऐसी मुट्ठियां लगाते हैं जी मेरी बहन। स्वामी जी डायबिटीज यानी कि जिसे साइलेंट क्लियर भी कहते हैं, जो शरीर को खोखला कर देती है, एक डायबिटीज के साथ इंसान 10 और बीमारियों का शिकार हो जाता है, तो डायबिटीज हो ही ना, इसके लिए क्या करें स्वामी जी, और जिनको हो गई है वो इसे कैसे खत्म करें ये भी बता दीजिए। रोज पवन मुक्तासन जो अभी हम कर रहे थे, मंडूकासन, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है जाह्नवी जी की तरह, तो मंडूकासन के साथ साथ योग मुद्रासन, और आप तो बद्ध पद्मासन करो बाबू, ऐसे आप तो मंडूकासन ही कर लो साहब। ये प्रमोद गुप्ता जी तो लाइव एग्जांपल है, सबसे पहले इनका एग्जांपल दिया था हमने, 110 यूनिट लेनी पड़ रही थी इनको इंसुलिन, 110, और 3 दिन में 110 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई, शुगर 100 के आसपास आ गई और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्मासन बद्ध पद्मासन के साथ अर्धमत्स्येन्द्रासन वक्रासन, इतने से अभ्यास कर लें, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनोग्रीट, किसी को न्यूरोपैथी तो न्यूरोग्रीट, किसी को रेटिनोपैथी तो आईग्रीट, किसी को इससे किडनी पर असर आता है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी। अब नेफ्रोपैथी है तो रिनोग्रीट ले लें, किडनी पर असर आ गया। मंडूकासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और उसमें खीरा करेला टमाटर का जूस ले लें, और उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार जो उपलब्ध हो, मेथी का पानी, ये साथ में मिला ले, 5 से 11 चीज़ों का जूस, आंवला एलोवेरा गिलोय तो लगभग सभी जगह मिलने लग गई, खीरा करेला टमाटर हर घर में होता ही है, आंवला एलोवेरा गिलोय सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार मेथी का पानी, किसी को इंसुलिन का पौधा भी मिल जाए तो और अच्छा है। तो
गोखरू भी उसी में मिला दिया, तो आंखों पर किडनी पर बुरा असर नहीं होगा। थोड़ा अश्वगंधा भी का 1-2 ग्राम चूर्ण उसमें डाल दिया तो न्यूरोपैथी भी नहीं होगी। तो ये 3-5 से लेकर के 11 तरह की चीज़ों का जूस पी सकते हैं। ये अप्रतिम है डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाने के लिए। और लाइव एग्जांपल, कल एक छवि बेटी छोटी सी 5 साल की, उसको भी 40 यूनिट इंसुलिन है मेरे राम, 110 यूनिट इंसुलिन। हम डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते हैं, और जो योग करते रहेंगे तो कभी डायबिटीज़ में के चक्कर में फंसेंगे ही नहीं। योग प्रिवेंशन भी है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, सबसे बड़ी बात है इस योग में एक्यूट मैनेजमेंट भी है। देखो तुरंत इंसुलिन बंद हुआ ना, और योग में सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी है, और योग निरोगी के लिए है, योगी के लिए भी है। तो ऐसे योग जो है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है साहब। स्वामी जी, क्योंकि लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ही देखो, अभी मैं इंडिया टीवी का कार्यक्रम करते ही देहरादून जा रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरी एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, उत्तराखंड हेल्थ का, एजुकेशन का, नेचर एंड एनवायरनमेंट का, विश्व का सबसे बड़ा हब हो सकता है। इतना सुंदर है, हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री यमुनोत्री केदार चार धाम से लेकर के और नैनीताल से लेकर के अब उत्तराखंड संस्कृति मूलक समृद्धि का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। एक बार हम देश के प्रधानमंत्री जो एकमात्र व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति और शक्ति हैं, वो हमारे सनातन की योग की भी शक्ति है। तो आज प्रधानमंत्री जी, कल अमित शाह जी उत्तराखंड आ रहे, तो लेकिन हमने कहा देखो हम पहले इंडिया टीवी पर सबको योग करवाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरनेशनल इस इन्वेस्टमेंट समिट में जाएंगे। तो ये रहना चाहिए प्रतिबद्धता। हमारे देश के प्रधानमंत्री को दुनिया भर के काम है, लेकिन सबसे पहले सुबह योग करते हैं, तो सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। योगी बनो, निरोगी बनो, योग उपयोगी बनो देश के लिए, दुनिया के लिए। बिल्कुल स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद अब एक क्विक सेशन प्राणायाम का भी आपसे जान लेते हैं, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं बहुत हर उम्र के लोगों को हो रही हैं, तो जो लोग योग करने में सक्षम नहीं हैं, वो कौन कौन से प्राणायाम करके अपने शरीर को इन बीमारियों के चुंगल से बचा सकते हैं? तो देखो, एक तो इसमें भी प्राणायाम हो जाता है, शंखनाद हो गया। तो एक बार सुबह उठ करके इधर आओ प्रमोद जी, इधर आओ बाबू, भस्त्रिका करते हैं, सारे बच्चे इधर आ जाओ, ये हमारा बड़ा बच्चा भी आ जाएगा रमेश, ये हमारा बर्थडे बॉय है, हाँ इधर आओ बैठा, भस्त्रिका कर। पतंजलि में जितनी भी सृजना हो रही है, पूरा हमारा ये इंजीनियरिंग का काम ये रमेश करता है, भस्त्रिका करो, इनर इंजीनियरिंग हम करते हैं, स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर, करेक्टर, अब छोटे छोटे बच्चे करो, हाँ कंधे नहीं उठाना, हाँ लंबा भरोसा, भस्त्रिका, कपाल भाती, भस्त्रिका से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी ट्रैक, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,72,201 नाड़ियाँ, 37 पंच महाभूत, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सब कुछ ठीक हो जाता है। कपाल भाती से लीवर, स्प्रीन, इंटेस्टाइन, पिनकेज, यूट्रस, ओवरी, लॉ, पूरा लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सब कुछ, इंटरनल बॉडी की इंटरनल एक्सरसाइज। प्राणायाम तो छोड़ना ही नहीं, 5 प्राणायाम सबके लिए कंपलसरी है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत पूजा जी कर लें, जी स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत जरूरी है,
ये हमारा रमेश बालक भी मेडिटेशन करता है, इसका जन्मदिन है तो 100 साल तक जिएगा और रोगी नहीं योगी उपयोगी बनेगा, निरोगी रहेगा। अनुलोम विलोम भ्राम भी, और जो कर सकें वो बाह्य प्राणायाम भी ऐसे जी। स्वामी जी, योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब आपसे आज गुड़ की शुद्धता की भी पहचान हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देती हूँ। कल हमारे कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है वो दर्शकों को बता देती हूँ। सर्द मौसम में शरीर में दर्द, अकड़न, क्या फाइब्रोमाइल्जिया के हैं लक्षण, मसल्स पेन, कमजोरी, नींद से परेशान, मिस्ट्री रोग का क्या है आयुर्वेदिक उपचार, सिरदर्द, पेट, कमर, हाथ पैर में ऐठन, योग से फाइब्रोमाइल्जिया का खेल खत्म होगा, तो कल सुबह 7:56 पर योग की क्लास आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, अब आज गुड़ की शुद्धता के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे पहचाने असली नकली गुड़। देखो पीला, गुजराती लोग थोड़ा पीला पीला सा, ये बहुत सुनहरे कलर का गुड़ मिलता है, इसमें केमिकल मिलाते हैं, जो रियल गुड़ होता है। साहब आप तो WHO में काम करते हो, हम देसी आदमी हैं, आँखों से देख करके बता देते हैं। अब आपकी शुगर ठीक कर दी है, आज आपका मुंह मीठा करवा देते हैं। शुगर वालों को तो जिसको 110 यूनिट इंसुलिन लगाना पड़ रहा और उसको गुड़ खाने को मिल जाए तो फिर तो उसका, लेकिन लोगों ने गुड़ का गोबर बना दिया। क्या करते हैं उसमें केमिकल मिलाते हैं उसको कलरफुल बनाने के लिए, नहीं ये इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। और इसी बड़ा, ये भी बड़ा सुंदर भी है, ऐसी बात नहीं है, है? और इसको खाने से सर्दी भी नहीं लगती, खा लो बाबू, हाँ ताकत भी आ जाएगी, च्यवनप्राश भी खाना, इम्यूनिटी खाना, और चने के साथ खाना गुड़। तो ये गुड़ असली है, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है? ये पहली बार हमने ओरिजिनल गुड़ भी देश को उपलब्ध करा दिया, नहीं तो लोग चीनी खा रहे थे और तमाम तरह के गुड़ में भी मसाला मिला के खा रहे थे, गुड़, शक्कर और खांड, ये हमने देश को उपलब्ध कराई मधुरम। तो असली गुड़ खाना, मस्त रहना, तेरे को बर्थडे की गिफ्ट यही है। ए बच्चों खाओ तुम भी मस्ती से, अगले वाले को भी दो, सबसे छोटे को सबसे बड़ा। चलो बोलो भारत माता की, मीठा मीठा गुड़ खाओ, गुड़ को गोबर बना के मत खाओ, केमिकल नहीं मिलाओ। धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी।